बता दें पूर्व प्रधान की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छानबीन शुरू कर दिया और साथ ही आपको ये भी बता दें तमाम ग्रामीण इस वक्त गुस्से में है। संवाददाता देवेंद्र खरे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र, आपसे पूरा मामला जानेंगे, दिन दहाड़े हत्या को अंजाम दिया गया, क्या कुछ सामने आ रहा है? ये आपको बता दें लगातार ये जौनपुर में हत्या का इस पर बाढ़ आ गई है। जहाँ एक तरफ से राज्यपाल अपना संबोधन कर रही थी और लेकिन वही हत्या में कदम की दूरी पर इन दहाड़े बदमाशों द्वारा तिरान प्रधान की हत्या कर आसानी से हो गए फरार। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जहाँ पर पूरे जिले की फोर्स वहाँ मौजूद है उसी के चंद कदम पर ये बड़ी घटना इन दहाड़े बदमाशों द्वारा गोली मारकर भाग फरार होने के मामले पर वहाँ पर पूरे ग्रामीण पुलिस आक्रोशित हो गए, जिसको देखते हुए वहाँ की पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पुलिस को वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है ग्रामीण किस तरह से पुलिस को खदेड़ रहे हैं। लेकिन इस समय मौके पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं जिससे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी माहौल पुलिस ने गरमाया है। लगातार यादवों की हत्या से लेकर यहाँ पर राजनीति जिस तरीके से ये हत्या का मामला सामने आया है, बाइक सवार बदमाश बताए जा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है, पता चला है कि ये कौन थे? जी, ये अभी तो ये लग रहा है कि ये ग्राम प्रधानी चुनाव है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ग्राम प्रधानी चुनाव है, इसको लेके ही हो सकती है। लेकिन अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किस लिए ग्राम प्रधान की हत्या हुई है। लेकिन अभी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा किसने हत्या की है, चुनावी रंजिश है या पुरानी रंजिश है, ये अभी थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि आपने बताया कुछ ही दूरी पर राज्यपाल का संबोधन चल रहा था और ऐसे दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, पूर्व प्रधान की हत्या की गई, ग्रामीण भारी आक्रोश में, ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी नहीं देखी गई? जी, पूरी कार्य प्रणाली पुलिस की पूरी सबके घेरे में है। लगातार इस महीने में तीसरी हत्या है, एक पुलिस कस्टडी में है, एक सपा के सभासद बारा लखनदेव यादव की हत्या, एक आज ये हत्या हो गई है। इससे पूरी पुलिस की पूरी सवालिया निशान है कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है और आम आदमी कैसे रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है पुलिस कार्य प्रणाली पर। जी, और वही अगर हम ग्रामीणों की बात करें, उन्हें भी काफी ज्यादा वो भी गुस्से में, तो उनको किस तरीके से समझाया जा रहा है? ग्रामीण तो इतने आक्रोशित हैं कि देख आपको वीडियो में साफ दिखाई देगा किस तरह से पुलिस की जीप को छक्के कर दिया गया है।